क्यों ना वड़ा पाव बनाकर ट्राई किया जाए। खाओ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है। तो अभी सब काम निपटा के मैं बैठ गई हूँ, क्योंकि रोज झाड़ू पोछा करते भी क्या दिखाना, तो झाड़ू पोछा हो गया है, पूजा भी मैंने कर ली है, तो अभी है ब्रेकफास्ट करने का टाइम। तो अभी चलते हैं किचन में। ब्रेकफास्ट में सब्जी मेरे कल रात की बची हुई है, जैसे कि मैंने आलू भिंडी बनाया था तो उसकी सब्जी बची हुई है, और मैं अपने लिए दो रोटी बनाऊंगी और हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। तो ब्रेकफास्ट मैंने बना लिया है अपने लिए, ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था रोटी अभी बनाया है मैंने, भिंडी बची हुई थी। तो अभी जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद आगे का काम करेंगे। अभी हो रहा है दिन का टाइम और आज मैंने खास इतना कुछ किया नहीं, मतलब मैं बैठी थी क्योंकि मेरा सुबह ही सारा काम खत्म कर लिया था मैंने। और अभी दिन का टाइम हो रहा है तो खाना बनाने का टाइम हो रहा है, आप लोगों को पता ही है डेली ही खाना बनाना वही चल रहा है। खाना बनाने जाती हूँ मैं, खाना भी मैं सोच रही हूँ चावल बनाऊं और आलू और पत्ता गोभी की सब्जी बनाऊं। तो अभी जाती हूँ किचन में, फटाफट बना के रेडी करती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड का आने का टाइम भी हो गया है, तो तब तक खाना बना के तैयार करते हैं। तो खाना बन के रेडी हो चुका था और अभी मेरे पति देव पधार चुके हैं घर, खाना स्टार्ट हो चुका है। तो ये देख सकते हैं आप, तो इनके टी शर्ट पे कभी भी ध्यान मत देना क्योंकि सारे कपड़े एक ही दिन में लगाने का रिकॉर्ड यही तोड़ते हैं, अगर कोई रिकॉर्ड बना तो ये सबसे पहले जीतेंगे। इधर खाना हमारा गोभी और आलू, और ये कल रात की हमारी भिंडी बची हुई थी। आज शाम को मैंने कुछ सोचा है, शाम को मतलब रात को भी नहीं, अभी थोड़ी देर बाद जब ये खाना थोड़ा डाइजेस्ट हो जाएगा। मैं प्रस्तुत हो चुकी हूँ आप लोगों के सामने 3 घंटे बाद, खाना खाने के बाद मैंने रेस्ट किया। और ये इधर देखो गाइस, इतनी गर्मी की वजह से ना मुझे इधर रैशेस हो गया है, मैंने पाउडर लगाया है इसीलिए ये थोड़ा व्हाइट व्हाइट दिख रहा होगा, तो इसको इग्नोर करना। और आप लोग सोच रहे होंगे मैंने हाथ में ये क्या उठा के लाई हूँ, मैं बनाने वाली हूँ आज कॉन्ट्रोवर्शियल बड़ा पाव। आप लोगों को पता ही है बड़ा पाव बोलते हैं या वड़ा पाव बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो आजकल आप लोगों को पता ही है, जितना भी रील्स देखो, फेसबुक देखो, यूट्यूब देखो, कुछ भी देखो, ऐसे स्क्रॉल किया वड़ा पाव गर्ल, तो यही चलते रह रहा है। फिर मैंने सोचा क्योंकि मैंने भी ट्राई नहीं किया है आजकल, क्यों ना वड़ा पाव बनाकर ट्राई किया जाए, थोड़ा नया भी हो जाएगा, मुझे सीखने को भी मिल जाएगा कुछ। तो गाइस ये मैंने पैक मंगवाया था अपने हस्बैंड से, जो ये लेकर आ गए हैं, इसमें पता नहीं कितने बनेंगे मुझे नहीं पता। और मैं आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाना है आपको, ये देखो गाइस, ये देख रहे हो आप, ये मैसेज आया है, वार्निंग आया है, पता है इतनी ज्यादा गर्मी हो गई है यहाँ पे, मतलब स्पेशल इसमें मैसेज देना पड़ रहा है, ऐसे केयर करो, हाइड्रेटेड रहो दिन भर, अम्ब्रेला लेके चलो, कॉटन के क्लॉथ पहनो, मतलब इतना कुछ लिखा है इसमें, देखो स्पेशल मैसेज आ रहा है। आप लोग समझ सकते हो जब वार्निंग आ सकती है तो कितना गर्म है यहाँ पे मौसम। अभी जो यहाँ पे है तापमान 44 डिग्री सेल्सियस, अब बताओ इतना गर्म है। प्रोसेस थोड़ा मुझे लगता है लंबा है, बहुत कुछ ऐड करना पड़ता है इसको बनाने के लिए। तो मैं अभी फटाफट से किचन में चलती हूँ, किचन में मैंने आलू बॉईल करके रख दिया है, उसको छील के भी रख दिया है, अभी चलते हैं फटाफट किचन में। तो आज बनने वाला है मेरे घर में कॉन्ट्रोवर्शियल वड़ा पाव, जो भी है खाने से मतलब है हमको। मैं आ गई हूँ अपने किचन में, वेलकम टू रेखास किचन। आजकल इतना ट्रेंड में है वड़ा पाव, मैंने सोचा क्यों ना ट्रेंड को फॉलो किया जाए, इसीलिए मैं भी आ गई हूँ अपने किचन में वड़ा पाव बनाने। क्या पता कल के दिन मुझे भी वड़ा पाव का कार्ट लगाना पड़े तो मैं भी दिल्ली जाऊंगी। तो सबसे पहले जो वड़ा पाव के लिए हमें मसाला रेडी करना है, उसके लिए मैंने क्या क्या लिया मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप इधर देख रहे होंगे, ये है हरी मिर्च, ये है लहसुन, ये है अदरक और यहाँ पे है हरा धनिया। यहाँ पे मैंने ये कड़ी पत्ता पहले ही लेके रखा है घर में, क्योंकि कभी भी काम आ सकता है, तो मैं ज्यादा लेके इसको सुखाया है इधर, तो इसको भी हम डालेंगे। और इधर आप लोगों को पता है मैंने आलू छील कर रखा हुआ है, जो अभी हम इसको मैश करेंगे, सबसे पहले हम इसको पीस लेते हैं। तो गाइस ये देखो, आप लोगों को पता है मैंने ये सब लिया है, तो अब हम इसको, मिर्च हम थोड़ा ज्यादा डालेंगे, हम मैंने थोड़ा कम लिया है, मुझे लगता है ये कम हो जाएगा क्योंकि हम लोग ज्यादा मिर्च खाते हैं। और ये है धनिया, ये है कड़ी पत्ता, तो ये गाइस सूख गया है क्योंकि यहाँ पे ताजा ताजा मिलना नामुमकिन है, यहाँ पे पेड़ नहीं है इसके, इसीलिए मैंने ये लाकर पहले ही सुखा दिया है ताकि कभी कड़ी बनाते वक्त काम आ जाए। और अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। मैंने ये मसाला पीस के रेडी कर दिया है, जो मैंने आपको इससे पहले दिखाया था, ये रेडी हो चुका है और ये बिना पानी ऐड किए मैंने इसको पीसा है। इधर है आलू, अब हम इसको मैश कर देंगे अच्छे से। अब हम ऑन करेंगे गैस, गैस ऑन करके चढ़ा दिया मैंने है कढ़ाई, तो ये जा रहा है इसमें तेल, तेल गरम हो चुका है। अभी मैंने लिया है मेथी, जीरा और ये सरसों, तो अब हम इसको ऐड कर देंगे। तो ये ब्राउन होके भी काला पीला हो गया है गाइस, अब हम इसमें ये ऐड कर देंगे जो हमने ये पीसा था। इसको हमने हल्का फ्राई कर दिया है, जो हमने मसाला बनाया था, और अब हम इसमें ये मैश किया हुआ आलू ऐड कर देंगे।
हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये कुछ ऐसा बना है, इसको हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे, तब तक बेसन का घोल बना लेते हैं। तो इधर मैंने बेसन ले लिया है और इसमें ऐड करूंगी मैं हल्का सा लाल मिर्च ताकि थोड़ा कलर रेड रेड आए, और ये हल्दी थोड़ा सा। इसमें भी हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे क्योंकि जो बाहर की कोटिंग होगी इसकी कहीं वो फीका ना पड़ जाए। तो अभी मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से घोलना है कम कम पानी लेते हुए। तो ये बैटर बनके रेडी हो गया है। तो ये ठंडा होता है और ये अच्छे से मेल्ट होता है, तब तक के लिए हम बनाएंगे लाल चटनी जो बनती है मूंगफली की। तो अभी इसमें और कुछ भी ऐड करना होता है तो गाइस पहले उसको बनाते हैं। तो इधर मैंने लगा दिया है मूंगफली फ्राई करने के लिए, इसको हम इस तरीके से करके इसका छिलका निकाल देंगे। गरम गरम है ये, मेरे हाथ में लग रहा है। ये पूरा छिलका इसका निकला नहीं गाइस, तो मैंने थोड़ा बहुत छोड़ दिया है क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो अभी मैंने यहाँ लहसुन छील के रखा था तो इसको भी ऐड कर दूंगी, और इसमें मैं कर दूंगी लाल मिर्च ऐड क्योंकि इसका कलर अच्छा आएगा। और इधर थोड़ा सा मैंने नमक ले लिया है। तो लाल चटनी भी कुछ इस तरीके से बनके हमारी रेडी हो गई है। तो इधर मैंने तेल गरम करने को लगा दिया है और वहाँ पे आप देख सकते हो पाव, और इधर है हमारा मसाला। इसको हम गोल गोल बनाएंगे। आप लोगों को पता ही है वड़ा पाव के अंदर जिस जिसने खाया होगा, मैंने नहीं खाया सच में, मुझे नहीं पता कि कैसा टेस्ट होता है, बताने वाला भी नहीं है अच्छा बना है या बुरा। मैं हूँ ना। तो गाइस अभी ये घर आए हैं तो मैंने सोचा क्यों ना इनसे वीडियो बनवाया जाए। तो अभी मैं इसको कुछ इस तरीके से गोल गोल बनाऊंगी। मैं हाथ से बना रही हूँ क्योंकि मैंने हाथ धोया है गाइस। हाँ, आप लोग ऐसे मत बोलना कि ये हाथ से बना रहे हैं, घर में तो हाथ से बनाते हैं, जब कस्टमर को बेचना होगा तब ग्लव्स लगा के हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है ना, घर में तो चलता है। गोल नहीं बनाऊंगी मैं क्योंकि गोल वाला इसके अंदर बैठेगा नहीं फिट, वो लुढ़क जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा इसको ऐसे चपटा कर लेती हूँ, ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया ठीक है ना। धनिया को ज्यादा ही ऐड कर दिया है इसमें, आप लोग इतना ज्यादा धनिया मत डालना। लगता है हमारा तेल भी गर्म हो गया है। हमारा तेल क्या मतलब? हमारा मतलब हम क्यों बोलती हूँ हमेशा, पता है आपको? मेरे जो सब्सक्राइबर उनको साथ लेके चलती हूँ, मतलब मेरे को ऐसे आता है हम, क्योंकि वो लोग भी मेरे साथ साथ देख रहे होते हैं ना वो चीज। सब्सक्राइबर लोगों को भी तेल के साथ लेके चल रहे हो आप। कुछ भी बोलते हो। तो फिलहाल मैं इसको फिलहाल हम इसको इसमें डुबाएंगे। फिलहाल हम आलू को इसमें डुबाते हैं गाइस। कितने लोग लगेंगे इसको आलू को इसमें डुबाने के लिए? ओ गाइस व्हाट इज दिस, मैंने क्या किया गाइस, ये भोलेनाथ। ओए होए होए होए, बद्दो 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 बद्दो। कुछ इस तरीके से डालना है, डर डर के जैसे मैं डर रही हूँ। मुझे सच में बहुत डर लगता है यार गैस से। डरना भी चाहिए क्योंकि मेरे साथ जो सीन हुआ ना, जो हमने देखा है, बहुत डरावना मंजर था वो। मैं उस टाइम से ना बहुत, मेरा ना बोलते ना हमारे नेपाली लैंग्वेज में सातो बोलते हैं। सीन का मतलब क्या होता है वैसे? सीन का मतलब तो वही होता है जो आपको पता ही नहीं। तीन जगह है उसमें बुढ़ो, काहे परेशान होता है रे। तो हर दिमाग में ज्यादा ही लोड बा, देख रहे हो गाइस जैसे डरना भी है बीच बीच में। आप क्या हिम्मत वाली हो बोल के तेल में हाथ डाल दो? एक यूट्यूब में मैंने वीडियो देखा था, पता नहीं वो पकौड़े तेल से हाथ से निकाल रहे, भाई अपने में इतना दम नहीं है, हाथ मेरे हाथ है लोहा। ये पैन देख रहे होंगे आप, कढ़ाई मैंने चेंज कर दिया क्योंकि पता नहीं इसमें क्या सिस्टम है, उसमें ना चिपक रहा है। अगर इसका सॉल्यूशन किसी को पता तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि जो मैंने ये कढ़ाई लिया था ना इंडक्शन वाला है ये, इसमें कुछ भी चीज बनाती हूँ ना मैं एकदम से चिपक रहा है आजकल, पहले नहीं होता था। ऐसा भी नहीं है कि इसमें कुछ जला हुआ है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ है, उसके बावजूद चिपकता है ये। तो इसमें एक बार ट्राई करके देखते हैं बनता है या नहीं, देखते हैं क्या होता है। हाँ देखो गाइस ये कितने प्यार से निकल गया, इसका मतलब मेरे बनवाई में कमी नहीं है, वो उसमें ही प्रॉब्लम है कढ़ाई में। तो अभी हम इसको पलट देंगे, मैं इसका सहारा ले रही हूँ। वो वाह, तो सारा हमारा लगभग काम हो चुका है। अभी मैं ये मिर्च मैं कट लगा रही हूँ इसको फ्राई करने के लिए। मिर्च भी हमारी फ्राई हो चुकी है। ये है हमारा पाव, पाव ही बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? तो इसको इस तरीके से काट देंगे हम, ऐसे ही होता है ये, इतना छोटा छोटा होता है पाव। दो का एक ही बना दूं क्या यार, इतना पाव होता है क्या? ये वाला मैंने डबल लेयर काटा है, इसको इसमें ऐड करते हैं क्या होता है। तो गाइस ये है मिर्च, मुझे नहीं पता वो पाव कैसे बनाते यार, ये तो कुछ ज्यादा ही छोटा है, ये तो वो दूसरा पाव होता होगा, आई डोंट नो क्या है, व्हाटएवर। तो गाइस जो हमने ये फर्स्ट वाला ट्राई किया था ये फेल हो चुका है क्योंकि ये बहुत छोटा छोटा है, ये ऐसा है या मैं वैसे हूँ मुझे नहीं पता चला। तो हमारे पास ये बन था तो मैंने इसको कट करके इसमें मैंने ये
मसाले लगा दिए हैं जो ये चटनी बनाया था मैंने रेड वाला, और अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये जो मैंने आलू का वड़ा बनाया था, और इसमें हम अपना चटपटा मिर्च ऐड कर देंगे। तो अभी हम दूसरा, तो ये है यहाँ पे, और इसमें भी हम मिर्च ऐड कर देंगे। कंफ्यूज हो गई हूँ मैं, एक तो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ और ये ऐसा हो गया, और ये सारा इधर फैला हुआ है, इसको समेटना पड़ेगा, अब इसको क्या करें मुझे भी नहीं पता। तो गाइस इधर बन गया है हमारा वड़ा पाव, नकली वाला, असली नहीं बना, ये कुछ और ही बन गया है। तो अब इसको ट्राई करते हैं कैसा बना है, ये तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया है क्या है। वड़ा पाव लेकर आ गई हूँ मैं रूम में, यहाँ पे देखो गाइस वेट भी नहीं हुआ, मतलब मेरे बोलने से पहले ही खा दिया। सच में बताना बूढ़ो, क्योंकि मुझे ना बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं दिखने में थोड़ा वैसा लग रहा है पर टेस्ट बढ़िया है। खाओ क्यों रुक गए आप, तो फ्रीज हो गए यार। सच में बताना बूढ़ो कैसा बना यार। मुझे नहीं पता कैसा बना सच में, क्योंकि मुझे ना ये जो पाव था मुझे समझ ही नहीं आया ये है क्या, इतना छोटा होता है क्या ये, मैंने वीडियो में तो देखा था तो थोड़ा बड़ा था साइज इसका, ये 50 रुपीज का है तो फिर क्या है, या तो इनको पता नहीं किसने क्या पकड़ा दिया। कोई नहीं, टेस्ट अच्छा होना चाहिए, मैं भी ट्राई करती हूँ। तो अब टेस्ट किया जाएगा, लीजिए मैम बड़ा पाव। बड़ा पाव लीजिए ना, ये तो बंद पाव हो गया, लेकिन ये है छोटा पाव, बड़ा ही तो है, इतना बड़ा है कितना, कैसे खाओ इसको। गुड, टेस्ट तो अच्छा है, अच्छा है ना, पर इसका साइज के साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता, कुछ तो हुआ है, पर मैं खा रही हूँ, पर टेस्ट अच्छा है सच में। ये देखो इधर कितनी शिद्दत से खाते हैं, वैसे मैं कुछ भी बनाती हूँ ना बहुत अच्छे तरीके से खाते हैं, यही चीज अच्छा लगता है मेरे को, इसीलिए बनाने का मन करता है। बनाते रहो, मैं अच्छे से खाते रहूंगा। वेरी गुड, तो वैसे भी खा लेते हैं अच्छे से, उसके बाद मिलेंगे। फिलहाल सब काम खत्म हो चुका है, हम चलते हैं वॉक पे, क्योंकि बाहर दीदी लोग आ गए हैं, तो अभी हम फटाफट से वॉक पे जाएंगे। वॉक पे जाने के बाद थोड़ी देर हम उधर ही बैठते हैं, घूमते हैं। धूप अभी है तो यही है, लेकिन ऐसा होता है धूप जाती है तो एकदम अंधेरा हो जाता है, उसके बाद क्या ही वॉक पे निकलना। तो चलते हैं बाहर, दिव्यम और सानू, ये हीरो, ये दोनों हीरो, एक तो इधर ही है और इधर हमारे दीदी लोग बैठे हुए हैं हमें। अच्छा बना हुआ चीज, और दीदी बैठे हैं उधर। वॉक करके मैं आ गई थी रूम में, मतलब थोड़ी देर पहले आ गई थी, मेरे बुढ़ो अभी आए हैं, फिर इनको वापस जाना है, तो अभी कल सुबह डायरेक्ट आएंगे। खाना तो हम नहीं खा रहे क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही खाया था, और मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, परसों नारियल लेके आई थी और इससे निकला है इतना सा पानी, ज्यादा नहीं था इसमें क्योंकि ये ना मलाई वाला था, अंदर ये नारियल बन चुका है, थोड़ा सा ये नारियल पानी निकला है, तो मैं इसको पीऊंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये पसंद नहीं है ज्यादा। और आप लोग ये देख के कंफ्यूज मत होना, ये ग्लास, क्योंकि आजकल हम इसी में पानी वगैरह सब इसी में पीते हैं। जब से हम यहाँ आए ना, कम से कम 2-3 सेट मैंने ब्रोसिल के जो ग्लास होते हैं पानी वाले, वो खरीद खरीद के परेशान हो गए, और ना वो टूटते ही रहता है। जो ये सेट है ये मुझे एनिवर्सरी में मिला था, मतलब हम दोनों का एनिवर्सरी में गिफ्ट दिया था किसी ने, तो ये सेट है, शायद 6 था जिसमें से एक टूट गया है, तो ये 5 बचे हैं, तो मैंने इसलिए नहीं खरीदा। खरीद के भी कोई फायदा नहीं है, फिर टूट भी जाएगा, वो दोबारा टूट जाएगा, जब ये है काम चलाने में, तो हम इसी में पानी पीते हैं। गिलास का शेप थोड़ा डिफरेंट है, पता नहीं किसने दिया था ये गिफ्ट, मुझे भी समझ में नहीं आया, मुझे इतना याद नहीं है। तो गाइस नारियल पानी पी लेते हैं, ये जा रहे हैं, अभी मैं हो गई हूँ अकेले। बाय स्वीटहार्ट, बाय। दरवाजा लगा जो, ओके बाय, क्यों भी मारो, ओके। पहले पहले क्या होता था कि अकेले इतना डर लगता था जब स्टार्टिंग में आए थे हम यहाँ पे, अभी तो आदत हो गई अकेले रहने की, कभी कभी तबीयत खराब होती है तब ज्यादा दिक्कत होता है, अब आज तो मैं थोड़ा ठीक हूँ। अब मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ, फोन छेड़ती हूँ, रात भर मेरा फोन छेड़ने का काम ही रहता है, थोड़ी देर वीडियो एडिटिंग करती हूँ, और गाइस इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय एंड टेक केयर।